जानेंगे कंफर्ट डिवाइसेज के बारे में, जितनी भी कंफर्ट डिवाइसेज है जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं पेशेंटों के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, और उनका क्या पर्पज है, इनसे क्या फ़ायदा रहता है, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जितनी भी हॉस्पिटल में जितनी भी कंफर्ट डिवाइसेज है तो उनके बारे में जान जाओगे, और उनका क्या पर्पज है उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो जो कंफर्ट डिवाइसेज होती है वो ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेज होती है जो कि पेशेंट को या इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट महसूस करवाए। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी डिवाइसेज हैं जो कंफर्ट डिवाइस में आती है। तो इसके अंदर आएगी पिलो, बैक रेस्ट, बेड क्रेडल, कार्डियक टेबल, मैट्रेस, ट्रेपेज बार, फुटबोर्ड, ट्रोकेंटर रोल, सैंड बैग, साइड रेल्स, अबडक्टर पिलो जिसको हम बैग भी बोलते हैं, नी रेस्ट, बेड ब्लॉक, एयर क्यूशन, रबर और कॉटन रिंग्स और हैंड रोल्स। सबसे पहले जानेंगे हम पिलोज के बारे में, जो कंफर्ट डिवाइस में आएगी वो है सबसे पहले पिलो। तो इसका यूज हम करते हैं अंडर हेड, आर्म, लेग, स्पाइन और एब्डोमेन, जिससे क्या है इनको हम कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारी जो बॉडी की अलाइनमेंट है इससे वो करेक्ट मेंटेन में बनी रहती है। अब हम जानेंगे बेस्ट रेस्ट के बारे में। तो बैक रेस्ट है तो इसका यूज हम करेंगे डिस्निया में, तो जो डिस्निया पेशेंट होता है तो उसको बैक रेस्ट लगा के हम रिलीव प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऐसे पेशेंट है जिनको एडिकेट ड्रेन डला है तो उनको हम बैक रेस्ट लगाएंगे तो उसका जो अंदर का जो फ्लूड है एब्डोमिनल फ्लूड तो वो आसानी से ड्रेन हो जाएगा, और पेशेंट है जिनको हम पोजीशन चेंज करवाना चाहते हैं तो बैक रेस्ट लगा के उनको हम पोजीशन चेंज करा के उनको कंफर्ट फील करवा सकते हैं। अब हम जानेंगे बेड क्रेडल के बारे में। तो ये जो बेड क्रेडल होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें प्रेशर से बचाते हैं, जैसे हमारे ऊपर जो लिनन डला है, बेडशीट डली है तो उसके प्रेशर को ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से बचाता है। इसको लगा देंगे और ऊपर से हम बेडशीट या जो लिनन है उसको डालेंगे तो जिससे क्या है वो लिनन है हमारी बॉडी से टच नहीं होगा और उसका जो प्रेशर है वो नहीं पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट होते हैं जो बर्न वाले रहते हैं तो उनमें इस प्रकार से हम क्रेडल का यूज कर सकते हैं, और इससे क्या होगा जो एयर है उसका सर्कुलेट है वो भी अच्छे से लोअर लिम्ब में चारों ओर बना रहेगा। अब हम जानेंगे कार्डियक टेबल के बारे में। जो कार्डियक टेबल रहती है तो उससे पेशेंट को क्या रहेगा कि वो उसके ऊपर उसकी सहायता से मतलब और पिलो लगा के रेस्ट कर सकता है, अगर उसको खाना खाना है तो कार्डियक टेबल पे खाना रख के वो खाना खा सकता है, और कुछ वो लिखना चाहता है वो पढ़ना चाहता है तो कार्डियक टेबल की सहायता से आसानी से वो पढ़ सकता है और लिख सकता है। ट्रेस जो गद्दे होते हैं तो उनका यूज हम करेंगे जिससे पेशेंट को क्या है कंफर्ट फील होगा, और ऐसे पेशेंट है जो बहुत ही मोटे होते हैं तो उनको अगर वो लंबे समय तक पड़े रहेंगे तो उनको प्रेशर सोर होने का चांस रहता है, तो हम मैट्रेस लगा के और पेशेंट को प्रेशर सोर होने से बचा सकते हैं। जो मैट्रेस आते हैं ये दो प्रकार के आते हैं, एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। ट्रेपेज बार, तो ऐसे पेशेंट है जो पेशेंट मतलब पलंग से उठने में उनको दिक्कत होती है तो ये ट्रेपेज बार को पकड़ के वो आसानी से उठ सकते हैं बेड से और मूव कर सकते हैं। फुट ड्रॉप, तो इसका जो मेन पर्पज है वो रहेगा पेशेंट को जो फीट है उसको सपोर्ट करना और फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करना। ट्रोकेंटर रोल, तो इसका यूज हम करेंगे जो पेशेंट है जिनको हमने सुपाइन पोजीशन दी है तो उसका जो लेग्स है वो एक्सटर्नल रोटेशन ना करे तो उसको रोकने के लिए हम ट्रोकेंटर रोल का यूज करेंगे। तो ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनका हमने फीमर हेड का ऐसे कोई ऑपरेट हुआ है या वहाँ फ्रैक्चर है तो उसको मूवमेंट को हम इससे ट्रोकेंटर रोल लगा के रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे उसका जो पेशेंट को जो पेन है वो नहीं होगा और उसका जो फ्रैक्चर है तो उसमें भी उसको रिलीव मिलेगा। सैंड बैग, तो ये प्लास्टिक के बैग रहते हैं और इनमें सैंड भरी रहती है, रेत भरी रहती है, और ये बॉडी को काउंटर और सेप बनाए रखने में, बॉडी को काउंटर देने में और उसकी सेप बनाए रखने में हेल्प करते हैं, और ये बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज है उसको इमोबिलाइज करते हैं और उसकी बॉडी की जो स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट है उसको बनाए रखते हैं। साइड रेल्स, तो ये साइड रेल्स से जो हम जो पेशेंट का जो बेड रहेगा उसकी साइड में लगाएंगे और जिससे क्या होगा जो पेशेंट है वो उसका गिरने का चांस है जो वो कम हो जाएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट रहते हैं तो वो अनकॉन्शियस रहते हैं तो पेशेंट पलंग से नीचे गिर जाते हैं, तो साइड रेल लगा के हम पेशेंट को गिरने से बचा सकते हैं और जिससे क्या है पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड होगी। यह अबडक्टर पिलो,
तो ये ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं और इनके अंदर हेवी फोम भरी रहती हैं, और इसका जो पर्पज़ है वो रहेगा लेग है उसको अबडक्शन में बनाए रखना। और ऐसे जैसे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, THR का ऑपरेशन हुआ है, तो उनमें जो लेग से उसको अबडक्शन पोजिशन में बनाए रखना रहता है, तो उसको बनाए रखने के लिए ये अबडक्टर पिलो है उनका हम यूज करेंगे। नी रेस्ट, जो नी रेस्ट रहती है इसको हम नी के नीचे रख के और नी को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसका जो पर्पज़ रहेगा तो वो रहेगा जो पेशेंट की जो नी है और टेंडन है तो उसमें जो पेन है तो उसको रिलैक्सेशन देने के लिए और उसको पेन से रिलीव प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। बेड ब्लॉक, अब ये जो बेड ब्लॉक रहते हैं या तो लकड़ी के बने रहते हैं या मेटल के बने रहते हैं, तो जो बेड ब्लॉक रहेगा उनका जो मेन पर्पज़ है वो रहेगा अगर हमको पलंग को उठाना है, उसका फुट एंड उठाना है या हेड एंड है उसको हमें उठाना है, राइज करना है, तो इन बेड ब्लॉक को हम पलंग के नीचे लगा देंगे जिससे कि वो जो बेड है वो या तो हम फुट एंड से या फिर हेड एंड से उसको अप कर सकते हैं। एयर क्यूशन, तो ये क्या होते हैं कि ये रबर के बने रहते हैं और इनके अंदर हवा भरी रहती है, तो इनका यूज हम करेंगे, इनका जो मेन पर्पज़ है तो इनको हम यूज करेंगे जो पेशेंट की जो बॉडी है उसका जो वेट है तो उसको मतलब इसका प्रेशर को कम करना रहता है। एयर क्वेश्चन का है, इसका जो मेन पर्पज़ रहेगा वो रहेगा जो वेट है उसका टेक ऑफ करना, उसको कम करना, जिससे क्या है जो बॉडी के पार्ट्स है बॉडी है उसका जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करना रहेगा। रबर एंड कॉटन रिंग्स, ये सर्कुलर रिंग्स रहती है जो कि रबर या कॉटन की बनी रहती है, तो इसका जो पर्पज़ है वो रहेगा जैसे एल्बो है हील है तो वहाँ का जो प्रेशर है उसको कम करना रहेगा। हैंड रोल, तो ये कपड़े के बने रहते हैं और इनको रोल करके पेशेंट के पाल्मर सरफेस में जो हैंड का पाल्मर सरफेस है उसमें इसको रख देते हैं। हैंड रोल का जो मेन पर्पज़ है वो रहेगा जो फिंगर है उसके अपोजिशन में थंब को स्लाइटली अबडक्ट पोजिशन में रखना, और दूसरा पर्पज़ रहेगा इसका जो फिंगर है उसको स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोजिशन में रखना।